अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अपना जेन सिम कैसे रिचार्ज करना है अपने मदा कार्ड से। बहुत आसानी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जेन सिम रिचार्ज करना है, जिस तरह आप लोग कार्ड चढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोगों को वकाला मकाला नहीं जाना है और अपने घर से एटीएम कार्ड से रिचार्ज करना है बहुत आसानी के साथ, तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पहले डाउनलोड करना है जेन एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना बैलेंस दिखा दूं कि बैलेंस इसमें मेरे जेन सिम में कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 0000 बैलेंस है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है जेन, ये जो जेन एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो ये तो मैंने लॉग ऑन किया, ये इसको इसका क्या तरीका है, आप लोगों ने इसमें आईडी बनाना है बहुत आसानी के साथ, आईडी रजिस्टर करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है अपना जो है ना सिम नंबर, जो भी सिम आप इसमें डालना चाहते हो तो जेन सिम नंबर इसमें डालें और नीचे एक आमा नंबर डालें। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये रजिस्टर पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट करें, यहाँ इसका जो पूरा सिस्टम है इसको एक्सेप्ट करें, और यहाँ आगे वाले ऊपर वाले खाने में जो है ना आप लोग मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, और नीचे वाले में जो है ना आप लोग इकामा नंबर डालें, तो सबमिट पर क्लिक करें तो आप लोग के पास खुल जाएगा। तो मैंने पहले से इसमें आईडी बनाया हुआ है, ये मेरा आईडी है, तो यहाँ मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास खुल जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी हम मदा कार्ड से, जो मदा कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है, उसी से हम इसको रिचार्ज करेगा बहुत आसानी के साथ। ठीक है, मैं आप लोग को एक बात ज़रूरी बता दूँ कि यहाँ पे क्विक पे, जो किसी के पास क्विक पे है तो क्विक पे से ये नहीं होगा, और किसी के पास तहवील अल राजी है उसी से भी ये नहीं होगा। ये जो मदा कार्ड होता है जिसमें मास्टर लिखा होता है, ठीक है, उसी से ये बस रिचार्ज होगा। जिसका मदा कार्ड होता है एटीएम वाला, जो अहली वाला हो, अलराजी वाला हो, कोई भी हो, उसी से होगा, लेकिन क्विक पे से ये नहीं होगा और तहवील अलराजी से नहीं होगा। यहाँ से इसको स्किप करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा बैलेंस जो है ये 00 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी मेरा बैलेंस, जो एप्लीकेशन खुल गया, इसमें मेरा नाम, मेरा नंबर और मेरा जो बैलेंस होता है इसमें, जिसमें इंटरनेट पे का जो होता है, जो भी होता है, इसी में होता है, तो इसी एप्लीकेशन में आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसी एप्लीकेशन से हम इसको रिचार्ज करेंगे अपने मदा कार्ड से। बहुत आसानी के साथ यहाँ पे लोकल मिनट्स, डाटा, एसएमएस, अगर आपके पास एसएमएस है तो एसएमएस दिखाएगा, यहाँ पे आपके पास डाटा है तो डाटा बताएगा, लोकल मिनट्स है तो लोकल मिनट्स बताएगा। ठीक है, जो भी है, जिस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, इसी में चेक होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम अपना रिचार्ज करेंगे मदा कार्ड से। मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊँगा बहुत आसानी के साथ, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हमारे पास ऐसे आ गया, तो यहाँ पे ये जो रिचार्ज लिखा हुआ है ये 00 के नीचे, यहाँ हम रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये पे इस पे यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोगों को दिया, रिचार्ज, मदा मदा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वाउचर, और ये सदाद पेमेंट। सदाद यहाँ से आप तीनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड भी यहाँ पे आसानी के साथ हो सकता है, मदा कार्ड से भी हो सकता है, सदाद पेमेंट से भी आसानी के साथ हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ आप लोगों को बताऊँगा कि मदा कार्ड से, यानी क्रेडिट कार्ड से कैसे होता है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा, अगर आप लोगों को नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा ये इसी नंबर में मैं डालेगा, ये 059 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके क्लिक करेगा तो यहाँ मेरे पास ये ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग 15 से ज़्यादा, 15 से कम नहीं, 15 से ज़्यादा कितना भी आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे मैं 15 एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरे पास नीचे आ गया 15.75, यानी 75 हलाला ये टैक्स कटेगा। ठीक है, यानी 5% जो टैक्स है और वो कटेगा, और उसके बाद जो है ना 15 रियाल इसी मोबाइल में आ जाएगा।
तो मैं 15 रियाल अभी रिचार्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी 15 रियाल में रिचार्ज करेगा, यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर हम जब आ गए तो यहाँ पे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, जो हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर है यहाँ पे वो एंटर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड एंटर किया, यहाँ पे मैंने डेट एंटर करता हूँ जो एक्सपायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पीछे वो जो 3 कोड होता है CVV, वो एंटर करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अभी वो एंटर कर दिया, यहाँ पे मैं पे पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जब पे पे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे पास एक कोड आ जाएगा, ठीक है। वो कोड हमारा हमको दे देगा, जो भी आप लोग का बैंक है, अलराज्य अहली है, कोई भी है, तो मेरे पास अहली का बैंक है, ATM कार्ड है, तो उसी से वो हम हमको एक कोड सेंड करेगा। ये देखो हमारे पास कोड सेंड कर दिया, तो यहाँ पे मैं हमको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, तो उसी पे हम कोड एंटर करेंगे, तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो रिचार्ज हो जाएगा। अभी इसमें लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। हमको कोड दे दिया अहली वाले बैंक ने कि यहाँ पे आप कोड एंटर करें तो आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर भी, जैन की वेबसाइट से भी आप लोग बहुत आसानी के साथ ऐसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ये अभी उसने मुझे नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे जो कोड मुझे मिला है यहाँ पे, तो वो कोड मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो अकाउंट है वो रिचार्ज हो जाएगा। सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये अभी मुझे बोलते हैं कि वेट करो, ठीक है। 15.75 रियाल मेरे अकाउंट से कटेंगे तो मेरे पास दूसरा मैसेज आ जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जेन वाले ने बनाया हुआ है, STC वाले ने भी ऐसे बनाया हुआ है, मोबाइल वाले का भी ऐसे हैं, सब जो नेटवर्क है सब ने ऐसे ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है एप्लीकेशन। आप बहुत आसानी के साथ रिचार्ज कर सकते हैं और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, तो फिर हमारे अकाउंट से 15.75 रियाल कट जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये अभी लोडिंग में, अभी ये हो गया, ओके, ये अभी मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अभी मैं बैग जाता हूँ, ठीक है, चेक करता हूँ कि उसने क्या किया, मेरे पास बैलेंस आ गया या नहीं। इसको रिफ्रेश होने दो, ये मेरे पास बैलेंस आ गया, उधर से भी पैसे कट गया, देख जैन अहली वाले से भी मैसेज आ गया और उससे भी। अभी मैं चेक करता हूँ, अभी मैं चेक करता हूँ अपना बैलेंस, मेरे पास कितना बैलेंस आ गया, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये मेरे पास 15 रियाल आ गया, ठीक है, 75 हलाला उसने काटा टैक्स का और 15 रियाल मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर अभी हम एप्लीकेशन में चले जाए और एप्लीकेशन को रिफ्रेश करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी दिखाएगा, ये देख
यहाँ पर भी दिखा रहा है 15 रियाल, ठीक है। तो ये बहुत आसानी के साथ देख हमने रिचार्ज किया, ठीक है। ये देखें 15 रियाल यहाँ पर भी दिखा रहा है, 75 हलाला जो है ना वो टैक्स कट गया, और यहाँ पे हमारे पास 15 रियाल आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।